ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ये ध्यान रखिएगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो एक नेता थी, मतलब जो टिकटॉक स्टार थी हरियाणा की, अगर याद हो तो, किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। एक नेता हुआ करती थी, अगर किसी को याद हो तो, कुछ फोगाट फोगाट थी, कुछ याद आ रहा है? अगर ध्यान आ जाए तो बताएं। हाँ जी, फोगाट थी, फोगाट है ना, सोनाली फोगाट करके नाम थी, ठीक है। गोवा में मरी थी अगर आपको याद। भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 25,000 करोड़ का ड्रग्स जब्त किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस पेपर 2 के अंदर ये पूछा जाता है। ड्रग्स का नाम याद रख लीजिएगा। देखिए, ये रहा वो सोनाली फोगाट की खबर, यदि ये खबर है 1 सितंबर 2022 की, अगर आपको याद हो तो यहां पर आपको ये एक शब्द लिखा दिखाई दे जाएगा, अगर देख पाए तो। अब इसको याद कर लेना भाई, पेपर में पूछा जा सकता है ये, है ना। क्या नाम है इसका? मैथ एम्फीटामिन, मैथ एम्फीटामिन नाम का ड्रग इनके ओवरडोज से ये मरी थी। अब ये क्या होता है, चलिए आज के सेशन में बताते हैं। तो इधर देख लीजिएगा, 25,000 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई है भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री मार्ग के अंदर, जिसकी वैल्यू 25,000 करोड़ से ऊपर की बताई जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ी है, और कौन सा ऑपरेशन था? समुद्रगुप्त नामक ऑपरेशन था। तो दो तीन चीजें आप यहां पर याद रख सकते हैं। पहला आप ये याद रख सकते हैं कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त क्या है। भारतीय नौसेना के द्वारा शेयर किया गया, लास्ट ईयर 2022 के अंदर शुरू किया गया एक ऑपरेशन है, जिसके अंदर जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, जो ड्रग इधर से उधर जा रहा है, उसे पकड़ने के लिए नौसेना ने और एनसीबी ने मिलकर के संयुक्त प्रयास किया है, उसे समुद्रगुप्त नाम दिया गया। नंबर एक। नंबर दूसरा, कौन सा ड्रग पकड़ा गया है? दूसरा जो ड्रग पकड़ा गया उसका नाम है मैथ एम्फीटामिन। अब इसके बारे में थोड़ी आगे की जानकारी जान लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर खबर दिखती है, द टोटल सीजर हैज बीन कंफर्म्ड ऑफ 2525 किलोग्राम। आप सोचकर देखिए, 2525 किलोग्राम, 25,000 करोड़ रुपए का था माल, ठीक है ना। 10 करोड़ रुपए की कीमत हो गई एक तरह से, एक किलो की, ठीक है। इसको हाल ही में पकड़ा है, किन्होंने पकड़ा? तो एनसीबी के उप महानिदेशक संजय कुमार सिंह ने इसको जब्त किया है। समुद्री तस्करी के थ्रू ये जा रहे थे, और ये इनका बयान है, आप सुन सकते हैं। Heroin, methamphetamine, or hashish. And reports do suggest that Haji Sareem Network and other such syndicates in Pakistan, they have been funding ISI. We had started Operation Samudra Group last year, February 2022, and we have got big successes as far under this operation. First major success that we got was in February 2022, in which we had seized more than 750 kg of drugs. And then there were other successes in Mumbai and Cochin, and we had shared certain inputs with other agencies, Sri Lankan agencies or Maldivian agencies. And on the basis of our input, they also seized very good amount of drugs, almost around 700-800 kg. So far under this, अगर आप चाहें तो बस इन पॉइंट्स को भी अगर जोड़ लें तो सारा सेशन खत्म हो जाएगा। क्या क्या बातें बोली हैं डीजीपी साहब ने, ध्यान से सुन लीजिएगा। इनका कहना है, ये सारा की सारा माल हाजी सलीम नाम का एक व्यक्ति है, हाजी सलीम जो कि ड्रग डीलर है, पाकिस्तान में रहता है। पाकिस्तान में रहने वाला ये हाजी सलीम आईएसआई को फंडिंग करता है। पाकिस्तान में रहने वाला ये हाजी सलीम पाकिस्तान में आईएसआई को फंडिंग करता है। इसी के द्वारा हशीश और ये जो दूसरा हमने जो केमिकल नाम बताया मेथैम्फेटामिन, बोले ये जहाज के माध्यम से ले जाया जा रहा था। इसकी टीम ही सारा ऑपरेट करती है। हमने अन्य एजेंसीज के साथ मिलकर, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है, इसको रास्ते में पकड़ा है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त,
फरवरी 2022 में भी हमने एक ऐसी बड़ी कार्रवाई की थी। अब तक तीन बड़ी कार्रवाइयां ऐसी हो चुकी हैं जिसके तहत हमने इतना सारा माल पकड़ा है। अच्छा बाय द वे पाकिस्तान में ये आ कहां से गया, मतलब पाकिस्तान क्या इतना पैसे वाला हो गया क्या कि 25,000 करोड़ का तो वो केवल ड्रग ही बेच दे रहा है? नहीं, ध्यान से सुनिए, दुनिया का जितना भी ड्रग कार्टेल चलता है, हम कहें कि बदकिस्मती है हमारी कि भारत के पूर्व और पश्चिम में दो जगह ऐसी हैं जहां पर दुनिया का 90% ड्रग उत्पादित होता है। कौन सा? अफीम। कहां कहां पर? एक तो गोल्डन ट्रायंगल में और एक गोल्डन क्रिसेंट में। मैं एक बार आपको मैप दिखाता हूं, ये तस्वीरें हैं जिसमें आप इस ड्रग को देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में इंडियन मतलब एनसीबी के द्वारा केरला के कोची तट पर पकड़ा गया है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा मई 15 की खबर आपको दिखाई दे रही है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा ये पकड़ा गया, जिसके फिलहाल मतलब नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसके अंडर में आता है, तो होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। इसके जो एग्जीक्यूटिव हैं वो कौन है? डायरेक्टर जनरल सत्यनारायण प्रधान है। ठीक है, अच्छा तो अब इधर की तरफ मैं एक बार के लिए आपको एक चीज दिखाता हूं, पहले आप उसे समझने का प्रयास करें। ये भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है, भारत के पूर्व में तीन देश कौन कौन से हैं? लाओस, वियतनाम और थाईलैंड, ये तीनों मिलकर के, इवन म्यांमार भी इसमें शामिल है, चार देश हैं होने को, तो ये एक त्रिकोण सा बनाते हैं, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये त्रिकोण, यहां पर अफीम का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। और ठीक इसी प्रकार से इस तरफ अगर आप देखें तो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बड़ी मात्रा में हेरोइन का उत्पादन, अफीम का उत्पादन यहां पर किया जाता है। ये लोग यहां से निकाल करके भारत में पूर्वोत्तर भारत के मार्ग से और समुद्री मार्ग के माध्यम से ड्रग्स को भारत भेजते हैं, यानी उत्पादन यहां होता है। असल में आप में से कई लोगों को यह समझ में नहीं आता होगा ना कि भाई तालिबान सरकार चल कैसे रही है, मतलब अगर आज ऐसी स्थिति है कि वहां पर कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, अमेरिका उसके पैसे दबाकर बैठा है, तो पैसे चल कैसे रही है? तो आंसर है, इनके द्वारा उत्पादित किया गया यह ड्रग जो है वही इनको चलाने के लिए जिम्मेदार है। तो ये लोग क्या करते हैं, इंडिया में ड्रग्स भेजते हैं, यहां से पैसे ले जाते हैं और वहां पर अपना काम करते हैं। क्लियर है ना? तो इनका जो तरीका है, तो ये इसी तरह से माल यहां आ रहा था, श्रीलंका, इंडिया और भी अन्य देशों में इनके द्वारा माल भेजा जाता है। तो ये जो हाजी सलीम है, ये दाऊद इब्राहिम के साथ काम करता है और यहां पर इंडिया में जितने भी माल अभी पकड़े जा रहे हैं उनमें इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यह जानकारी ऑपरेशन समुद्रगुप्त की निकल कर आई है। तो बाकी तो इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। अब इसके बारे में जान लीजिए, मेथएप्टीन ड्रग क्या है? इसको 1896 में खोजा, 1893 में इसको खोजा गया था। यह एक उत्तेजक नशीला पदार्थ है, इसको लोग तरह तरह से उपयोग में लेते हैं, कुछ लोग इसे सूंघने के लिए काम में लेते हैं, कुछ चाटने के लिए, कुछ नाक से, सब तरह से इसको अलग अलग यूज किया जाता है। ये इंजेक्ट भी किया जा सकता है, पानी में मिलाकर के भी लिया जा सकता है, नाक के रास्ते भी खींचकर इसको हेरोइन की तरह लिया जा सकता है। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से जो आपको खुशी फील कराने वाला हार्मोन है जिसे आप डोपामाइन कहते हैं, उसका लेवल बढ़ जाता है। डोपामाइन क्या होता है? डोपामाइन प्लीजेंट हार्मोन है। जैसे कि आपके अंदर कोई भी चीज आपने ली, आपको जो खुशी हुई ना, तात्कालिक खुशी जो हुई वो डोपामाइन के कारण आती है, तो इसकी वजह से डोपामाइन बढ़ जाता है और उसकी प्रकृति के कारण ये हार्मोन लोगों के अंदर आनंद और संतोष पैदा करता है। और ये जो आनंद और संतोष की प्राप्ति है ना, इसी के कारण लोगों के अंदर ये सब चीजें बेहद खुशी से उत्पन्न होती है और धीरे धीरे लोगों को इसकी आदत पड़ जाती है। लोग अत्यधिक हाई रहने लगते हैं, खुश रहने लगते हैं, कम खाके भी अधिक ऊर्जावान रहने लगते हैं और इसी वजह से लोग इसकी आदत के शिकार हो जाते हैं। लोगों की भूख कम हो जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, लेकिन कई बार इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है। तो जो सोनाली फोगाट वाला मैंने मामला बताया था वो इसी के ओवरडोज के कारण हुआ था, ठीक है ना? तो इस ड्रग की खेप को पकड़ा गया है। भारत में अगर ड्रग के आंकड़े बताए जाएं तो 2017 में ड्रग ओवरडोज की वजह से होने वाली मौतों में 15% अकेले इस मेथामफेटामिन के कारण थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर अगर बात की जाए तो ड्रग ओवरडोज से 16,500 मौतें हुई। अगर एनसीबी की रिकॉर्ड की बात की जाए तो 2016 में क्रिस्टल के बढ़ते दुरुपयोग ने हाल ही में चिंता व्यक्त की है, ठीक है ना? उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाए, यह जानकारी आपको क्लियर हो जाए। क्लियर है साहब? किसी प्रकार की अद्यतिक सहायता के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं, 9829104181 104182 104183 104185 पर भी कॉल कर सकते हैं किसी सहायता के लिए। हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, लेकिन वहां पर कोर्सेज अभी फिलहाल आपके लिए नए उपलब्ध नहीं है, ठीक है? जब भी होंगे आपको बता दिया जाएगा। और क्या है,
आप में से अगर किसी को कंटेंट की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएँ आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।